है भारती पर। और इस बीच एक स्टॉक जिस पे मैं सुबह खुल के डिस्कशन कर रहा था और जो कि इंप्रेस कर भी रहा था वो था LIC हाउसिंग फाइनेंस। ये स्टॉक डी हाई पे फ्लोट करता हुआ मानस, जिस प्रकार का अगर आप देखें चार्ट बिहेवियर, आपने कुछ अन्य स्टॉक्स का भी देखा, आई मीन बेस से बाहर निकलते हुए LIC हाउसिंग फाइनेंस को देखिए 406.5 नाउ, कल की कैंडल, कल की अगर आप देखें क्लोजिंग के ऊपर ट्रेवल करने की कोशिश कर रहा है। मैं फ्रेश लॉन्ग की ट्रेड की बात नहीं करूंगा, लेकिन जिसने कल कैरी की थी लॉन्ग पोजीशंस उसको यहां पे प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट करना चाहिए या फिर नहीं, या फिर पोटेंशियल है इस स्टॉक में भी और ऊपर का मूव जनरेट करने का? आज पे तो कोई रीजन नहीं समझ में आता है कि आपको यहाँ पर प्रॉफिट बुक करना चाहिए। कल हमने ब्रेकआउट देखा और आज कंटिन्यूएशन पैटर्न दिखता है, यहाँ पर वीकनेस बिल्कुल भी नहीं दिखती है। मेरे हिसाब से 397 के स्टॉप लॉस से यहाँ पर बने रहा जा सकता है, क्योंकि ऊपर की तरफ 420-425 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं। और इस तेजी को अगर खेलना हो और आप फ्यूचर या कैश के जरिए नहीं खेलना चाहते हैं तो 410 के कॉल ऑप्शन पे ध्यान दीजिए। LIC का 410 का कॉल ऑप्शन 12 रुपए का ट्रेड कर रहा है, यहाँ पर 4 रुपए का रिस्क लीजिए, 8 रुपए के स्टॉप लॉस से खरीदारी करिए। मेरे हिसाब से 22 से 25 रुपए के भाव देखने को मिल सकते हैं यहाँ पर।